हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल नॉलेज टेल्स। आज हम करेंगे ज्योग्राफी क्लास 6 की और इसमें हम कवर करेंगे चैप्टर 2 ग्लोब लैटिट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड्स और ये इस चैप्टर का पार्ट 1 है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो हमारा टॉपिक है वो है ग्लोब। ग्लोब क्या है? इट इज अ ट्रू मॉडल इन मिनिएचर फॉर्म ऑफ द अर्थ। एक ट्रू मॉडल है, जिस तरीके से अर्थ है उसको एक रिप्रेजेंटेशन है मिनिएचर फॉर्म में, जिसे हम बोलते हैं ग्लोब। और इसके जो साइज है, ठीक है, ये वेरी कर सकते हैं। सबसे पहला है हमारा बिग वंस विच कैन नॉट बी कैरीड इजीली, ठीक है, ये बड़े होते हैं, इनको कैरी करना बहुत ज्यादा डिफिकल्ट होता है। जो दूसरा है वो है स्मॉल पॉकेट ग्लोब्स, ये थोड़े छोटे होते हैं, ठीक है, इन्हें हम इजीली कैरी कर सकते हैं। देन हमारे पास थर्ड आते हैं ग्लोब लाइक बलून्स, ठीक है, बलून्स जैसे होते हैं ना, जिन्हें हम इन्फ्लेट कर सकते हैं, उसी तरीके से ग्लोब लाइक बलून्स है, इनको भी हम इन्फ्लेट कर सकते हैं और इन्हें कहीं भी हम कैरी कर सकते हैं, हमारे पॉकेट में इजीली ये फिट आ सकते हैं। ओके, उसके बाद है इट इज नॉट फिक्स, ये फिक्स नहीं होते हैं, इट कैन बी रोटेटेड द सेम वे एज अ टॉप स्पिन और पॉटर्स व्हील इज रोटेटेड। ओके, जिस तरीके से हिंदी में हम बोलते हैं ना लट्टू वो घूमता है, उसी तरीके से जो ग्लोब है ये भी रोटेट कर सकता है, ठीक है। कंट्रीज कॉन्टिनेंट्स एंड ओशंस आर शोन इन द करेक्ट साइज, इनका आपको कंट्रीज हो गए जो हमारे कॉन्टिनेंट्स है और ओशंस है, ये आपको करेक्ट साइज में ग्लोब पे देखने को मिलेंगे। ओके, आई होप इट इज क्लियर टू यू। सी दिस इज द इमेज ऑफ ग्लोब, यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ से जो ग्लोब है रोटेट करेगा, जिस तरीके से अर्थ स्पिन करती है ना उसी तरीके से ग्लोब भी रोटेट करेगा हमारा, ठीक है। ये जो पॉइंट्स हैं ये फिक्स नहीं है, इसी वजह से ग्लोब इजीली रोटेट कर सकता है। आई होप इट इज क्लियर टू यू। अवर नेक्स्ट टॉपिक इज एक्सिस। अ नीडल इज फिक्स्ड थ्रू द ग्लोब इन अ टिल्टेड मैनर विच इज कॉल्ड इट्स एक्सिस, ठीक है। ये जो आप देख सकते हैं ना, ये एक तरीके से नीडल, ये जो फिक्स की गई है, इसे बोलते हैं एक्सिस। ओके, टू पॉइंट्स ऑन ग्लोब थ्रू विच नीडल पासेस आर नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल, ठीक है, दो पोल है ना, देखिए ये जो दो पोल आपको दो पॉइंट्स दिख रहे हैं जहां से ये हमारा एक्सिस ये पास कर रहा है, ये एक्चुअल में क्या है, ये नॉर्थ पोल है और ये हमारा क्या है, साउथ पोल। ओके, ग्लोब कैन बी मूव्ड अराउंड दिस नीडल फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट जस्ट एज द अर्थ मूव्स, जिस तरीके से अर्थ मूव करती है वेस्ट टू ईस्ट, उसी तरीके से ग्लोब भी हमारा इस नीडल के अराउंड मूव करेगा। ओके, सी देखिए क्या है कि ये ग्लोब है, अब इसको हम नीडल की हेल्प लेनी पड़ती है कि इसको स्टेबल करने के लिए, नहीं तो अर्थ के पास ऐसी कोई नीडल होती नहीं है, ठीक है। ये जो रोटेट करता है, जो इसको अर्थ, जो हम अर्थ के एक्सिस हम बोलते हैं, एक्चुअल में वो क्या है, इमेजिनरी लाइन है, ठीक है। इन रियालिटी ऐसी कोई लाइन नहीं है जो पास करती है, सिर्फ एक इमेजिनरी लाइन हमारे अंडरस्टैंडिंग पर्पस के लिए हम लोगों ने बनाई है, ठीक है। आई होप इट इज क्लियर टू यू। सी ये रही अर्थ की एक्सिस, ठीक है, ये टिल्ट है, ये हमारा इक्वेटर, इक्वेटर के बारे में हम अभी पढ़ेंगे, ठीक है। ये रहा नॉर्थ पोल और ये रहा साउथ पोल। ओके, आई होप इट इज क्लियर टू यू। नेक्स्ट इज इक्वेटर, इमेजिनरी सर्कुलर लाइन रनिंग ऑन द ग्लोब डिवाइड्स इट इंटू टू इक्वल पार्ट्स, ठीक है। दिस लाइन इज नोन एज इक्वेटर, एक इमेजिनरी सर्कुलर लाइन है जो ग्लोब के अराउंड ये रन करती है और अर्थ को दो पार्ट्स में, दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करती है। ओके, जैसे ये हमारा अर्थ है और ये इक्वेटर है, ठीक है, इसमें जो ये वाला पोर्शन है ये क्या है, नदन हेमिस्फेयर हम इसे बोलेंगे, ये इक्वेटर है जो डिवाइड कर रहा है, और जो ये है ये वाला सदर्न पोर्शन है, इसे हम क्या बोल, साउथ की तरफ है, इसे हम बोलेंगे सदर्न हेमिस्फेयर। ओके, आई होप इट इज क्लियर टू यू। एक बार इसे हम इमेज में देख लेते हैं, ये जैसे ये इक्वेटर पास कर रहा है ना हमारा, तो ये वाला जो पोर्शन है जो नॉर्थ की तरफ है ये है नदन हेमिस्फेयर, और ये जो नीचे की तरफ है ये है सदर्न हेमिस्फीयर। अब ये दोनों जो हैं पोर्शन, ये क्या है, जो पार्ट्स हैं ये आपस में क्या है, इक्वल है, ठीक है, इसीलिए बोला जाता है कि जो इक्वेटर है वो इनको इक्वल हाफ्स में डिवाइड करता है। ओके, आई होप इट इज क्लियर टू यू। नेक्स्ट, बोथ आर इक्वल मैंने आपको बताया, एंड इम्पॉर्टेंट रेफरेंस पॉइंट
टू लोकेट प्लेसेस ऑन अर्थ, ठीक है। जो भी हमें प्लेसेस, कुछ इंपॉर्टेंट प्लेसेस को लोकेट करना है अगर अर्थ पे, तो हम इक्वेटर की हेल्प लेते हैं। ओके, आई होप इट इज क्लियर टू यू। सी, इसमें भी देख सकते हैं आप, ये हमारे मेजर कॉन्टिनेंट्स गिवन है, किस तरीके से ये इक्वेटर पास कर रहा है और अर्थ को टू इक्वल हाफ में डिवाइड कर रहा है। ओके, नेक्स्ट टॉपिक इज लैटिट्यूड्स। ऑल पैरेलल सर्कल्स फ्रॉम इक्वेटर अप टू द पोल्स आर कॉल्ड पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड, ठीक है। इक्वेटर से जो भी पैरेलल लाइंस जो जा है, जो भी पैरेलल लैटिट्यूड्स हैं, ठीक है। लैटिट्यूड का एक्चुअल में मतलब क्या होता है, देखिए यहाँ पे लिखा है लैटिट्यूड, लैटिट्यूड का अपने आप में मतलब निकल जाता है जो लाइंस लेटी हुई है, ठीक है। अब देखिए यहाँ ये इक्वेटर है, तो यहां से एक ऐसे लाइन पास करेगी, ठीक है। ये आपस में क्या होंगी, ये क्या होंगी, पैरेलल होंगी। इनका जो ये वाला गैप है ये इक्वल होगा, इसलिए इनको बोलते हैं पैरेलल लाइंस, ठीक है, पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड्स। और इन लैटिट्यूड्स को हम किस में मेजर करते हैं, डिग्रीज में। इक्वेटर कौन से लैटिट्यूड पे है, 0 डिग्री पे। और अगर हम 90 डिग्री नॉर्थ की तरफ जाएं तो क्या पड़ता है हमारा, नॉर्थ पोल। और 90 डिग्री साउथ की तरफ आए तो पड़ता है साउथ पोल, ठीक है। All parallels north of the equator are north latitudes and south of the south are south latitudes. Okay? इधर देखिए, जितनी भी latitudes इधर की तरफ होंगी ये सारी क्या north latitudes होंगी, और जो इधर की तरफ होंगी वो सारी क्या होंगी, south latitudes. Okay? I hope it is clear to you. Our next topic is important parallels of latitude. So, देखिए इक्वेटर 0 डिग्री पे है, नॉर्थ पोल 90 डिग्री नॉर्थ पे। अब देखिए नॉर्थ पोल नॉर्थ में है, तो जब हम डिग्री लिखेंगे तो उसमें मेंशन भी करेंगे कि 90 डिग्री नॉर्थ है या 90 डिग्री साउथ। अगर आप सिर्फ 90 डिग्री लिखेंगे तो आपका आंसर गलत हो सकता है, हमें बताना पड़ेगा कि वो नॉर्थ में है या साउथ में। तो 90 डिग्री साउथ में क्या होगा, साउथ पोल। और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर 23 डिग्री नॉर्थ, और वैसे ही ट्रॉपिक ऑफ केप्रिकॉन कहा है 23 डिग्री साउथ। आर्कटिक सर्कल कहा है 66 डिग्री नॉर्थ, एंड एंटार्कटिक सर्कल कहा है 66 डिग्री साउथ। ओके, आई होप इट इज क्लियर टू यू। तो देखिए जितने लैटिट्यूड्स अभी तक हमने पढ़े हैं इंपॉर्टेंट, वो सब इस इमेज में है। सबसे पहला जो मेन हमारा है इक्वेटर, ये देखिए 0 डिग्री पे। अब देखिए एकदम बीच में आता है ना ये, इसलिए इसके आगे हम, इसके पीछे हम ना तो नॉर्थ लगाएंगे ना तो साउथ लगाएंगे। और बाकी के जितने लैटिट्यूड्स हैं, जैसे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर हो गया यहाँ पे लोकेटेड है, इसके पीछे हम नॉर्थ लगाएंगे क्योंकि ये ऊपर की तरफ है, ठीक है, नॉर्थ की तरफ है। देन ट्रॉपिक ऑफ केप्रिकॉन, इसमें पीछे क्या है, साउथ लग रहा है क्योंकि ये साउथ की तरफ है। देन एंटार्कटिक सर्कल ये रहा हमारा, ठीक है। और ये रहा आर्कटिक सर्कल, 66 डिग्री 34 मिनट्स नॉर्थ पे, ठीक है। यहाँ पे हमारा नॉर्थ पोल है 90 डिग्री नॉर्थ पे और साउथ पोल 90 डिग्री साउथ। ओके, और ये इक्वेटर है, ये डिवाइड कर देता है अर्थ को टू इक्वल हाफ्स में, जिसमें नॉर्थ वाले को हम क्या बोलते हैं, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, और साउथ वाले को बोलते हैं सदर्न हेमिस्फीयर। ओके, आई होप इट इज क्लियर टू यू। और अगर आपको कोई भी क्वेरीज हैं, कोई भी डाउट है, प्लीज कमेंट सेक्शन में लिख के बताएं। और प्लीज अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।